हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रॉक एंड रील। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए। पिछले व्लॉग में मैंने आपको अहमदाबाद का एरियल व्यू दिखाया था, जहां से हेलीकॉप्टर से हमने पूरा अहमदाबाद देखा था। लेकिन आज मैं आपको अहमदाबाद देखो सर्विस के थ्रू पूरा अहमदाबाद घुमाने वाली हूँ। तो मेरे साथ साथ आप भी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और इन्जॉय करिए अहमदाबाद देखो बस का सफ़र। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हमेशा मैं अपनी फ्रेंड को पिक करने जाती हूँ, आज मेरी फ्रेंड आ रही है मेरे को पिक करने के लिए। मैं नीचे खड़ी हूँ और भैया ने कैमरा देखा मेरे हाथ में तो बहुत क्यूरियस है। वो पूछ रहे थे कि आप क्या करते, तो मैंने बता रही हूँ कि मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रही हूँ। राजू भैया और ये अमित भैया है जो हमारे गेट की बहुत अच्छे तरीके से सिक्योरिटी करते हैं। हाय, हम लोग पहुंच गए हैं जहां हमको आना है। आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूं अहमदाबाद दर्शन में। यहां पे एक बस चलती है अहमदाबाद में, देखो अहमदाबाद नाम से, जहां से आपको पूरा अहमदाबाद दिखाया जाता है। तो हम आज वहीं आए हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले गांधी आश्रम आना पड़ता है, तो हम गांधी आश्रम के सामने आ गए हैं और ये बस है जो आकर खड़ी हो गई है। तो अब हम लोग इसमें जाएंगे, अंदर चलते हैं बस के और मैं आप लोगों को सबसे पहले बस का कंप्लीट टूर कराऊंगी, उसके बाद बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये है एंट्री। सो सिटिंग अरेंजमेंट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, सही है सिटिंग अरेंजमेंट। माइक्रोवेव भी रखा हुआ है, एक मिनी फ्रिज भी है यहाँ पे। आज हम ऊपर बस के ऊपर भी दोनों साइड सीट्स लगी हुई हैं, जहां पर आप आराम से बैठकर सफर का लुफ्त उठा सकते हैं। घूम घूम कर अगर आप थक जाए तो यहां आकर लेट भी सकते हैं, लेटने के लिए भी एक स्पेस है यहां पे। काफ़ी कंफर्टेबल बस लग रही है ये सच में। ये जो बस है सुबह 9 बजे से साबरमती आश्रम से चलती है और 4 बजे तक घूमती है पूरा अहमदाबाद। ये डबल डेकर बस है, ऊपर भी सिटिंग अरेंजमेंट है, नीचे भी सिटिंग अरेंजमेंट है। तो हम लोग अभी ऊपर बैठे हैं। तो अभी हमारा पहला स्पॉट आया है जो है साबरमती रिवर फ्रंट। साबरमती रिवर फ्रंट में बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां आप आ सकते हो। यहां अभी हम आए हैं वो है अंटार्कटिका सी वर्ल्ड। अगर इसका आपको अलग से एक कंप्लीट ब्लॉग देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अंटार्कटिका सी वर्ल्ड। फिलहाल अभी हम चलते हैं नीचे। अहमदाबाद दर्शन में हमारा पहला स्टॉप है साबरमती रिवर फ्रंट, जो साबरमती नदी के दोनों तरफ बना हुआ है। 2010 में ये अनाउंस हुआ था कि लंदन में जो थेम्स रिवर है उसके आसपास जैसा प्रोजेक्ट बना है वैसा ही सेम यहाँ बनने वाला है। उस प्रोजेक्ट के ही चलते इस नदी को करीब 12 किलोमीटर तक सेम शेप में कन्वर्ट कर यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया गया, जहाँ आकर आप साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, बोटिंग और काफी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। नीचे भी है फुल्ली एयर कंडीशनर है, तो हम यहाँ के एसी में बैठे हैं थोड़ी देर। तो ये भी अच्छा है, सीट काफी कंफर्टेबल है बैठने के लिए, बिल्कुल भी अनईज नहीं होगा और स्पेशियस है। हमारा अगला स्पॉट भी आ गया है। अब हम पहुंच गए ओल्ड सिटी अहमदाबाद में, तो चलिए देखेंगे ओल्ड सिटी। जो चीज़ हम देखने के लिए आए हैं उसको सीधी सेहत की मस्जिद कहते हैं। अब यहाँ पे जो जाली बनी है उसमें 7 प्रकार के अलग अलग पेड़ बनाए गए हैं। उसमें हिंदू धर्म में हम जो पवित्र मानते हैं वो वाले पेड़ हैं, और मुस्लिम धर्म में जो खजूर का पेड़ आता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अहमद शाह जब यहाँ पे आए 1411 में, तब जाके ये नया जो है वो शहर बना, जिसका नाम रखा गया अहमद ए आबाद। उससे पहले यहाँ पे राजपूत आए थे, कर्णदेव सोलंकी वगैरह, जिसकी वजह से इसका नाम हुआ था कर्णावती। इससे पहले भी यहाँ पे कोई था कि जो ट्राइबल लोग थे इनका नाम था आशा भील, उनका जो राजा था। तो सबसे पहले ये जो एरिया है वो आशा वल के नाम से जाना जाता। तो इसके अंदर मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि वुमेन अलाउ नहीं है अंदर जाना अंदर, इसलिए मैं यहाँ से ही आपको ये व्यू दिखा रही हूँ।
यहाँ पे कब्र भी बनी हुई है, ये देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। बस से हम लोग उतर गए थे पालिका बाजार के पास, क्योंकि ये ओल्ड सिटी है, यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है कि बस हर जगह जा पाए, इसीलिए अब हम लोग पैदल जाएंगे। यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बहुत रहता था, तो ट्रैफिक को रिलीफ देने के लिए ये रास्ता जो है वो पक्का करके थोड़ा बड़ा बना दिया, तब से इस रोड को रिलीफ रोड बोला जाता है। लाल दरवाजे के रास्ते होते हुए हम पहुँचे भद्रक फोर्ट, जो अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है, इसलिए हम इसके अंदर नहीं जा पाए। गुजरात में ऐसे तीन जगह है जहाँ पे भद्रक फोर्ट और जामा मस्जिद अवेलेबल है, पहला है अहमदाबाद, दूसरा है जूनागढ़ और तीसरा है पावागढ़। भद्रक फोर्ट के बाजू में ही बना हुआ है भद्रकाली मंदिर। ये भद्रकाली मंदिर है, ये माना जाता है कि ये अहमदाबाद नगर की नगर देवी है, जो अहमदाबाद की रक्षा करती है, इनका ख्याल रखती है और यहाँ के लोगों का ध्यान रखती है। ये पूरा एरिया ना लाल दरवाज़ा ही है। अगर आपने हमारा लाल दरवाज़ा मार्केट का व्लॉग नहीं देखा होगा तो जाकर देखिए, हमारे चैनल पर अपलोडेड है। बस की खिड़की से भी हमने अहमदाबाद के बहुत से अहम हिस्से को देखा, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का घर, इंडिया की सबसे पहली मॉस्क, दिल्ली दरवाजा और भी बहुत कुछ। ओल्ड सिटी अहमदाबाद से होते हुए अब हम लोग पहुंच गए काकरिया लेक, तो हमारा अगला स्टॉप काकरिया लेक है, वो है वहाँ का टिकट काउंटर जहाँ से हमने टिकट ली है। इस पैकेज में सिर्फ बस का चार्जेस इंक्लूड है, बाकी अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसकी एंट्री फीस इस पैकेज में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमें खुद ही खरीदनी पड़ी। यहाँ पे ट्रेन भी चलती है जो पूरा काकरिया लेक घुमाती है, तो हम लोग अब इसकी टिकट ही ले रहे हैं। क्या प्राइस है टिकट का? 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमने ट्रेन टिकट ले लिया है, ट्रेन से पूरा एक राउंड करेंगे काकरिया लेक का, तो मज़ा आएगा। गर्मी चालू हो गई है तो लोगों की सेवा भी चालू हो गई है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों से मिले हैं जो काकरिया लेक में पानी की सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। मारवाड़ी सातम है, जो सातम के मेले में काकरिया आए हैं घूमने के लिए, वो शीतला सातम बोलते हैं, पानी का आयोजन रखा है कैंपर वगैरह। ये हमारे राजस्थान के भजन सिंगर है गणेश भाई बुराशिया, और मैं रणछोड़ जी डिडवाणिया, ब्लड डोनर, 60 बार ब्लड डोनेशन किया है। इतना ट्रैवलिंग में घूमने की सबसे अच्छी बात ये मिलती है कि हम बहुत अलग अलग लोगों से मिलते हैं। आज जैसे मैं इन लोगों से मिली तो ये बता रहे हैं कि अंकल जो है उन्होंने 60 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम सभी को, अगर हम हेल्दी है, हैप्पी है, तो हम लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए और दूसरों की जान बचानी चाहिए, है ना अंकल? हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, चेतक रो सवार कटे, मायर तारो वो कुंत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा जय हिंद जय भारत। काकरिया लेक एक आर्टिफिशियल लेक है, बहुत बड़ी बनाई हुई है, और इसके पूरे चारों तरफ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ है, एक पिकनिक काइंड ऑफ स्पॉट है, या इवनिंग में आने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, यहाँ पे बोटिंग भी होती है। तो चारों तरफ एक अम्यूज़मेंट काइंड ऑफ अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ पर आप आकर फैमिली के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है क्योंकि बहुत सारे राइड्स हैं यहाँ पर, और कुछ कुछ एक्टिविटीज़ है जिससे एंटरटेनमेंट हो जाता है, तो अच्छी प्लेस है, फनलैंड है। देखिए काकरिया लेक की एक स्पेशल बात और है, यहाँ पे फ्लोटिंग कैफे, बोट के ऊपर कैफे है जहाँ पर आप आके अपना लंच डिनर या इवनिंग स्नैक्स ले सकते हैं। क्या क्या मिलता है भैया यहाँ पे बोट के अंदर ही? इस तरह से वेफर, कुकीज, बाजी बम, पानी पूरी, टी और कॉफी और पानी की बोतल, ये सब चीज़ मिलती है। 240 रुपीज़, अनलिमिटेड है ये, अनलिमिटेड है। अगर आप काकरिया लेक घूमना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इवनिंग के टाइम पे आएं, और अगर आप इस बस के थ्रू आएंगे तो आप दोपहर में आएंगे तभी भी इन्जॉय कर सकते हैं। काकरिया लेक के बाद हम आए हट्टी सिंह जी टेम्पल, ये है एक जैन टेम्पल है, जैन मंदिर है जहाँ हम आए हैं।
तो ये इसका बाहर का व्यू है, ये देखिए। अंदर फोटोग्राफी कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं अंदर नहीं लेके जा पाऊँगी, तो आप यहाँ से देख लीजिए। मैं दर्शन कर कर आती हूँ और बताऊँगी कि मैंने वहाँ पे क्या देखा। अंदर बहुत अच्छे दर्शन हुए, इतना सुंदर मंदिर है। मैं अहमदाबाद में रहने के बाद भी ये मंदिर मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है और अंदर की जो फीलिंग भी है, जो वाइब है, वो भी बहुत अच्छी है, एकदम पीसफुल है। बहुत ही प्यारा मंदिर है। आप अहमदाबाद आए तो कोशिश करिए हटी सिंह जैन टेम्पल ज़रूर आए। हमारा पहला स्टॉपेज था और आखिरी स्टॉपेज है गांधी आश्रम। अब हम आ गए हैं गांधी आश्रम में। ये गांधी आश्रम है, बहुत फेमस, जिसके नाम से अहमदाबाद जाना जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा और देखा भी होगा जब आप अहमदाबाद आए होंगे। जी की कर्म भूमि है ये। यहाँ पे गांधी जी के जीवन से जुड़ी सारी बातें यहाँ पर आपको पता चल जाएंगी, यहाँ पे लिखी हुई है। और बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स जो गांधी जी ने लिखे थे वो भी यहाँ पर प्रिजर्व कर कर रखे गए हैं। आज बस में ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी क्योंकि गर्मी का दिन आ गया है, लोग अब ज़्यादा अहमदाबाद नहीं घूमेंगे क्योंकि यहाँ गर्मी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ जो थे वो घूम रहे थे, तो हम उनसे जानेंगे कि उनको अहमदाबाद कैसा लगा। हेलो हेलो, हम लोग भोपाल से आए हैं, पहली बार आए हैं अहमदाबाद गुजरात। बहुत अच्छा लगा और यहाँ के सब लोग और कल्चर सब कुछ बहुत अच्छा था। क्या सबसे अच्छी चीज़ आपको आज पूरे दिन भर में लगी? आश्रम हाँ, बाकी जैन मंदिर उससे भी खूबसूरत है। हाँ। पुरानी संस्कृति को हमें याद दिलाता है और मैं तो सब टूरिस्ट से कहूँगी कि ज़रूर जाएगा। थैंक यू सो मच। हमें भी इनके साथ घूम के काफ़ी मज़ा आया और अहमदाबाद वापस से देखने में बहुत ही मज़ा आया। पूरी चीज़ें दिखाई और सब जगह घुमाया, सबके बारे में पूरी डिटेल दी, तो थैंक यू मयूर भाई आपका, मोस्ट वेलकम, जो आपने पूरी इन्फॉर्मेशन हमको दी। मिलेंगे आपसे और, बाय। तो अगर आपको इस बस के थ्रू अहमदाबाद देखना हो तो आप इनकी वेबसाइट देखो अहमदाबाद से बुक करवा सकते हैं, जो सिर्फ 500 में आपको पूरा अहमदाबाद दिखाएगी। अगर वेबसाइट से बुक ना कर पाएं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये बस सर्विस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि इन सारे स्पॉट्स में सबसे अच्छा स्पॉट आपको कौन सा लगा। तो अब आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक आप हमारे सारे व्लॉग्स देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कहीं घूमने जाएं आप भी हमारे साथ आ पाएं।